अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम। अब ऐसा ना देखो भाई, आजकल बाराबंकी जिले की सड़कों पर अंधेरा कायम वाला सीरियल चल रहा है। शक्तिमान वाला सीरियल नहीं आ रहा है। हम तो कहेंगे शक्तिमान को बुलाओ। अब शक्तिमान आएगा तब भैया अंधेरा जाएगा, वरना देखा तो अंधेरा कायम रहे, रात का अंधेरा छा जाता है। काहे के लेके करके भैया पोल टूटत जा रहा, स्ट्रीट लाइटें टूटत जा रही, कहूँ टूट जाते हैं कहूँ खराब हो जाते हैं, कुछ भैया दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वो सब भैया कबाड़ में जली जाती हैं। अब स्थिति देख सका तो अब या तो भैया टेंडर निकालना पड़ेगा, या तो भैया पुराने ठेकेदारों का पेमेंट करना पड़ेगा। कई सारे सवाल है भैया। अभी मैं सच्चाई करती तो हम नहीं जाने थे, लेकिन नगर पालिका के ईओ साहब कह दिए कि देखो भैया जहाँ जहाँ लाइटें टूटी हैं उसको सही किया जाएगा, जहाँ जहाँ लाइटें खराब है उसको भैया दुरुस्त किया जाएगा। अखबार में खबर छपी रही के अनुसार हमने कहा तो आपको बता दें कि देखो भैया बाराबंकी जिले की मुख्य मार्ग की सड़कों की स्थिति बड़ी खराब हो गई है, क्योंकि रात को अंधेरा कायम हो जाता है। अब तो शक्तिमान आएगा तब उजाला होगा। बाकी आपकी कमेंट कीजिएगा। उम्मीद कहते नगर पालिका के चेयरमैन भी देखेंगी, समस्या का समाधान करेंगी। देखा तो भैया मुख्य मार्ग पर जो स्ट्रीट लाइटें लगी रहती हैं एक एक करके टूटत जा रही हैं, और जहाँ जहाँ भैया लाइटें हैं वो खराब हो जा रही हैं। बहुत पुरान भी तो ही हुआ है, तनिक इका बदला जाए, नवा भैया लाइटें लगाई जाए। फिलहाल आपकी कार्यक्रम की जगह दूसरी खबर देख लेते हैं। वो ज़्यादा टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे वरना लोग बुरा मान जाते भैया। अब ये लड़का देखा तो भैया कट मार के साइकिल नहीं चला रहा था, बेचारा अपना कपड़ा बचा रहा था। काहे के लिए गड्ढे में कूदा देगा तो छुटा जाएगा, गिर गुरा गया तो कपड़े लेते जाएंगे। अब ये बाराबंकी जिले के भैया मखदूमपुर की चौचक सड़क है। ऐसी चौचक सड़क बहुत कम देखने को मिलती है, जहां पर पानी अपने आप प्रकट हो जाता है, सड़क अपने आप बर्बाद हो जाती है। अब पीडब्ल्यूडी को कोसे या नगर पालिका को ताना मारे हमें समझ में आता, कुछ ज्यादा टीका टिप्पणी कर देंगे तो ये लोग हमारी बातें नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हम तो नगर पालिका मोहल्ला कौन सा पड़ा था भैया, मखदूमपुर। तो यहाँ के भैया सभासद जी से कहना चाहेंगे कि तनिक ध्यान दो यार, लल्ला भैया तनिक आप ही ध्यान दो, देखो पानी बहा जा रहा है यार, कि मरम्मत कराओ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है, और वायरल वीडियो की पुष्टि हम बिल्कुल नहीं कहते थे, लेकिन सड़क बर्बाद हो गई। कौन ठेकेदार है यहाँ का यार, तनिक ध्यान दो भैया, इतनी स्थिति है, बताओ यार कहाँ करा जाए। अगली खबर देख लो, बड़ी लापरवाही है। हाँ, बाराबंकी जिले में तनी संपत्ति बटोरी ने समझने मर्फिया बेच की पूछो ना भैया, करोड़न की संपत्ति, करोड़न की भैया पूछो ना, कहा बताई नेपाल दिल्ली मुंबई ना जाने कहाँ कहाँ मादक पदार्थ की तस्करी क्या करता है भैया, इस मैक की तस्करी क्या करता है। अब मामले की जानकारी बाराबंकी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अखिलेश नारायण जी दे रहे थे कि देखो भैया एक साधु अलीम है, इसके पास 1 करोड़ तक की संपत्ति है, सब जब्त की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। सुनो भैया साहब का बता दो रहा, अलीम उर्फ साधु नामक मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त आपराधिक तत्व के विरुद्ध थाना जहांगीराबाद पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत आज लगभग 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। यह प्रॉपर्टी यह अलीम उर्फ साधु ने अपने और अपने पत्नी के नाम लिए हुए थे। यहां यह भी अवगत कराना जरूरी है कि पूर्व में भी इस आपराधिक तत्व के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। इस प्रकार लगभग 3.5 करोड़ के अवैध रूप से अर्जित की हुई संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई इस अभियुक्त के विरुद्ध की गई है। जनपद बाराबंकी पुलिस लगातार मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त आपराधिक तत्वों के विरुद्ध इस तरह की कठोर कार्रवाई कर रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अब साहब की बात सुनिए आपने भैया, हम तो कहेंगे कि देखो भैया सावधान हो, जो अगर मादक पदार्थ की तस्करी करो तो तुरंत छोड़ दो ये गलत काम, वरना देख लो धर दबोचे जाओगे और करोड़ों की संपत्ति कुर कर दी जाएगी। फिलहाल आपकी कार कमेंट कीजिएगा, बाकी अगली खबर देख ली थन। हाँ, बाराबंकी जिले में वन विभाग के अधिकारी साहब की तारीफ करनी पड़ेगी। वाह भैया वाह, देखो आकाशदीप जी बहुत बढ़िया काम करी है, और साथ ही साथ भैया इनकी टीम ने बहुत बढ़िया गुड वर्क किया। देखा तो प्रशांत जी उनके साथ को रहे, जितेंद्र रहे, अजीत रहे, कमलेश रहे, आखिरकार भैया ठेकेदार सुनील कुमार रात का कहाँ भैया काटे लिए जाते रहो पेड़ का, बताओ प्रतिबंधित पेड़ काट रहे थे, बतावा जा रहा कि नीम के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, प्रतिबंधित पेड़ थे। इस सब जने भैया अपनी ट्रैक्टर UP 41 AB 30 13 में लाद करके ले जा रहे थे, तभी भैया पकड़ लिए गए। बहुत बढ़िया गुड वर्क किया गया। बड्डूपुर थाना क्षेत्र के अमृतपुर गाँव का मामला बतावा जा रहा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शाम में सहज खबर इसी पर मिलेगी। तो दबा दबा लंकस के पेड़ को बचाओ भैया, तभी सांस ले पाओगे, ऑक्सीजन ले पाओगे।